तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कल के दिन सूर्य कुमार यादव की शानदार 103 रन की पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रन से मात दे दी। लेकिन क्या आपको पता है कि कल के मैच में असल मसला क्या था? कि कल का जो मैच था वो मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस नहीं चल रहा था, बल्कि मुंबई इंडियंस वर्सेस हार्दिक पांड्या चल रहा था। और देखो, बात सिर्फ कल की नहीं है, बल्कि कल से कुछ ही दिन पहले ये डिसाइड हो गया था कि कल के दिन जो मैच खेला जाएगा वो मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस वर्सेस हार्दिक पांड्या खेला जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं, बाकी इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं तुमको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे तुम बिना एक पैसा खर्च किए नई चमचमाती महिंद्रा थार जीत सकते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सार्थक जी, उन्होंने ऑलरेडी थार जीत ली है, उन्होंने मुझको थैंक यू मैसेज भी भेजा है, तो इसीलिए कह रहा हूं वीडियो देखते रहना, तुमको वो भी पता चल जाएगा। बाकी अब सवाल ये उठता है कि क्यों कल का मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस वर्सेस हार्दिक पांड्या चल रहा था। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस बात से वाकिफ होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हार्दिक पांड्या की एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी, जहां पे वो जियो सिनेमा को इंटरव्यू दे रहे हैं, और उस इंटरव्यू में वो बहाव में आते आते ये कह जाते हैं कि मेरे लिए जो सफलता होती है, जो सक्सेस होती है, वो दो तरीके की होती है। एक सक्सेस होती है जो मुंबई इंडियंस ने देखी कि बेस्ट प्लेयर को लेके आने का और ट्रॉफी जीत जाने का, और वहीं पे दूसरी सक्सेस होती है सीएसके वाली, जहां पे आप कैसे भी प्लेयर उठाओ, भले ही वो सीनियर्स हो, भले ही वो जूनियर्स हो, भले ही वो एक्सपीरियंस हो, या भले ही वो नॉन एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप उनको लाके अपने डगआउट में ऐसा माहौल बना दो कि सभी लोग इस बात के लिए प्रेरित हो जाएं कि कुछ भी करके हमें जीतना है और कुछ नहीं। और इसके आगे हार्दिक पांड्या ये कह देते हैं कि मैं जिस तरीके का इंसान हूं, मेरे लिए जो मुंबई इंडियंस वाली सक्सेस है वो उतना मायने नहीं रखती है, बल्कि जिस तरीके से सीएसके ने सक्सेस देखी है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। और जैसे ही हार्दिक पांड्या ये बात कहते हैं, तो सभी लोग पूरे देश में, खासकर जो मुंबई इंडियंस के फैंस थे या फिर जो रोहित शर्मा के फैंस थे, वो हार्दिक पांड्या के ऊपर टूट पड़ते हैं कि कैसे तुम इतने एहसान फरामोश हो गए। क्योंकि आप सबको ये ऑलरेडी पता होगा कि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में जो अपना डेब्यू किया था वो मुंबई इंडियंस में ही किया था, और मुंबई इंडियंस ही वो टीम थी जिसने हार्दिक पांड्या को उस काबिल बनाया था कि कुछ ही समय में वो भारतीय टीम में एंट्री कर गए थे। तो लोग हार्दिक पांड्या पे इसीलिए गुस्सा थे कि आपने जिस टीम के लिए इतने साल खेला है, जिस कप्तान ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है, आज उसके लिए आप ये कह रहे हो कि उसके पास बस बेस्ट प्लेयर थे इसलिए वो जीत गया। आपने पूरे तरीके से उसकी काबिलियत को दरकिनार कर दिया। अब देखो, कुछ लोगों का यहां पे ये भी कहना था कि हार्दिक पांड्या के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड घुस गया है, क्योंकि अब वो वहां नहीं है जहां पे वो मुंबई इंडियंस के अंदर हुआ करते थे। वो भूल गए हैं कि वो वक्त कैसा था जब पहली बार उनको मुंबई इंडियंस के खेमे में टोपी थमाई गई थी। आज जब वो गुजरात टाइटंस के कप्तान बन गए हैं, आज जब वो इंडिया की T20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो वो ये कहने लग गए हैं कि रोहित शर्मा में असल में कोई काबिलियत नहीं थी, वो तो बस उनकी टीम को तब जिता पाते थे जब उनके पास बेस्ट प्लेयर होते थे। तो इसी बात से रोहित शर्मा के फैंस, और जैसा मैंने कहा, मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। और कल का मैच शुरू होने से काफी दिन पहले से ही ये मुहिम चलना शुरू हो गई थी कि जिस दिन हार्दिक पांड्या यहां आएंगे, जिस दिन हार्दिक पांड्या वानखेड़े के मैदान में एंट्री करेंगे, जिस दिन हार्दिक पांड्या का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, उस दिन हार्दिक पांड्या को बताएंगे कि टैलेंट किसे कहते हैं, उस दिन हार्दिक पांड्या को बताएंगे कि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान थे या फिर उनकी टीम अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे कल का मैच चलता है, तो उस मैच में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसे देख के आप चौंक जाएंगे। और मैं आपसे शर्त लगा रहा हूं कि आप कल के मैच को देखने में इतना मगरूर हो गए होंगे कि आपने इन चीजों को डेफिनेटली मिस कर दिया होगा। पर वो देखने से पहले एक बात बताओ कि अगर तुम्हें बिना एक भी पैसा खर्च किए नई महिंद्रा थार मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? कसम से मजा आ जाएगा ना। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे दो सब्सक्राइबर्स तो हाल ही में सच में जीते हैं, सार्थक अग्रवाल और आदित्य मिश्रा। करना कुछ भी नहीं है भाई, बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और जाके इलो इलो ऐप को डाउनलोड कर लो। बस फिर इलो इलो ऐप में चलते हुए मैच के दौरान इनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो लाइव कमेंट्री करते हैं, उस कमेंट्री के दौरान तुमको ये बस प्रेडिक्ट करना होता है कि अगली बॉल पे क्या होगा, चौका लगेगा, छक्का लगेगा, डबल आएगा या फिर जो बल्लेबाज है वो आउट हो जाएगा। जैसी तुम्हारी प्रेडिक्शन सही हुई तो तुमको पॉइंट्स मिलेंगे, और जैसी 100 पॉइंट्स होंगे तो एक टिकट मिल जाएगा।
और हफ्ते के एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा टिकट होंगे उसे मिलेगी ब्रांड न्यू चमचमाती महिंद्रा थार। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, यानी कि आसान भाषा में आपको यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देना है। बाकी इलो इलो ऐप सिक्योर और ट्रस्टेड भी है और ऊपर से इसके 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड भी है, तो समझ जाओ कि क्या मस्त ऐप होगा। तो भाई बैठे बैठे टाइम मत वेस्ट करो, अगर तुम भी सार्थक और आदित्य की तरह नहीं चमचमाती महिंद्रा थार जीतना चाहते हो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में दिए हुए लिंक से इलो इलो ऐप को डाउनलोड करो। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने कहा कि कल के दिन सारे ही रोहित शर्मा के फैंस और सारे ही मुंबई इंडियंस के फैंस बस इसी इंतजार में बैठे थे कि कैसे करके हार्दिक पांड्या को नीचा दिखाना है। और जैसे ही कल का मैच शुरू होता है तो सभी लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि आज इस मैच में जो हार्दिक पांड्या है वो पावर प्ले में ओवर डालने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जो ओवर्स वो डाला करते थे वो ओवर्स उन्होंने आज के मैच में मोहित शर्मा से डलवाए हैं। जबकि इस आईपीएल में अभी तक गुजरात टाइटंस के किसी भी मैच में ऐसा नहीं हुआ था कि हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले में ओवर ना डाला हो, और अभी तक किसी भी मैच में ऐसा भी नहीं हुआ था कि मोहित शर्मा ने पावर प्ले में ओवर डाला हो। इवन उससे भी कमाल की बात यह थी कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि कल के मैच में हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले में ओवर नहीं डाले, बल्कि पूरे मैच में हार्दिक पांड्या ने एक भी ओवर नहीं डाला, जो कि इस सीजन में पहली बार हुआ था। तो कहीं ना कहीं जैसी ये गतिविधि हुई तो लोग ये कहने लग गए कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस और सूर्य कुमार यादव से घबरा रहे हैं, जिस टीम के लिए वो ये कह रहे थे कि इनके पास बेस्ट प्लेयर हो तो ये जीतती है, ना हो तो ये हार जाती है। तो आज तो शायद इनके पास बेस्ट प्लेयर नहीं होंगे ना, तो फिर इन प्लेयरों के सामने ये बॉलिंग करने से क्यों डर रहे हैं? चलो सूर्य कुमार यादव से डर रहे होंगे, लेकिन ये बाकी प्लेयरों से क्यों डर रहे हैं? अब ये बात थोड़ा सा आगे और बढ़ती है जब कल के मैच में सूर्य कुमार यादव के अलावा निहाल वधेरा और विष्णु विनोद भी गुजरात टाइटंस के बॉलरों को लंबे लंबे चौके और छक्के लगाते हैं, तो वापस से लोग हार्दिक पांड्या को अलग अलग सोशल मीडिया पे टैग करके ये लिखने लग जाते हैं कि ये लोग तो बेस्ट प्लेयर नहीं है ना, तो फिर ये आपके बॉलरों को इतना कैसे मार रहे हैं? मतलब कुल मिला के बार बार ये कोशिश करी जा रही थी कि हार्दिक पांड्या को ये एहसास कराया जाए कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। यहां तक कि कल जब सूर्य कुमार यादव ने शतक जड़ा तो बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये भी लिखने लगे कि आईपीएल 2022 में मुंबई के पास कहीं ना कहीं ऑप्शन था कि वो सूर्य कुमार यादव को रिटेन करना चाहती है या फिर हार्दिक पांड्या को रिटेन करना चाहती है। वो तो शुक्र है मुंबई इंडियंस का कि उन्होंने घमंडी हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया और सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में रख लिया। अगर उन्होंने उस दिन सूर्य कुमार यादव की जगह हार्दिक पांड्या को रिटेन करा होता तो शायद आज मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या का ये घमंड झेलना पड़ता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जब हार्दिक पांड्या बार 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 ये कहते हैं कि उनके लिए असल इंस्पिरेशन रोहित शर्मा नहीं बल्कि एमएस धोनी है, तो उनको एमएस धोनी से ये भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से एमएस धोनी निचली पोजीशन पे आते हैं और अपनी टीम के लिए मैचेस को फिनिश करते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं, ऊपर आके खेलते हैं, वहां पे आके एंजॉय करते हैं, जीत गए तो बहुत बढ़िया, नहीं जीते तो बाकी प्लेयर देख लेंगे। तो कुल मिला के लोगों का ये कहना था कि जब हार्दिक पांड्या बार बार एमएस धोनी करते रहते हैं तो कम से कम एमएस धोनी के अंदर जो गुण है उसे भी तो अपने जीवन में उतारे। बात और ज्यादा तब बढ़ गई जब मुंबई इंडियंस के बॉलर आकाश मधवाल ने गुजरात टाइटंस के 3-3 विकेट चटका लिए और वापस से लोग फिर सोशल मीडिया पे यही लिखने लगे कि ये तो कहते थे कि इनके पास बेस्ट प्लेयर होते हैं लेकिन ये तो आउट अनकैप्ड प्लेयर से हुए जा रहे हैं, ये लोग तो एक अनकैप्ड बॉलर को फेस तक नहीं कर पा रहे हैं। पहले बैटिंग की बारी आई तो वहां पे ये निहाल वधेरा को नहीं झेल पाए, वहां पे ये विष्णु विनोद को नहीं झेल पाए, और जब बात मुंबई की बॉलिंग की आई और इनकी बैटिंग की आई तो ये लोग आकाश मधवाल को भी नहीं झेल पाए। मतलब 3 अनकैप्ड प्लेयर के सामने इन्होंने पूरे तरीके से घुटने टेक दिए और इनका कप्तान कहता है कि इनके पास तो बेस्ट प्लेयर होते हैं। तो देखो भाई ये थी वो कहानी जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर आप मुझसे मेरी राय मांगे कि हार्दिक पांड्या ने जो कहा वो सही था गलत था, कितना सही था कितना गलत था, तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या ने जो बात कही वो पूरे तरीके से गलत नहीं है, बस उनका कहने का तरीका गलत था। यहां पे हार्दिक पांड्या ये कह सकते थे कि उनके लिए जो असल इंस्पिरेशन है या फिर जिसकी कैप्टेंसी स्टाइल को ज्यादा पसंद करते हैं वो एमएस धोनी है, वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन ये कहना कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की जो काबिलियत है वो पूरे तरीके से सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती थी कि उनके पास बेस्ट प्लेयर होते थे, तो ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो बने हैं वो उनके अंडर ही बने हैं, जसप्रीत बुमराह जो बने हैं वो उनके अंडर ही बने हैं। अब जब आपके बेस्ट प्लेयर ही
उसी कप्तान के अंडर बने हो तो ये कहना बहुत हद तक सही नहीं होता ना कि टीम ही बेस्ट थी। ऐसा इल्जाम आप रोहित शर्मा के ऊपर तब लगा सकते थे कि अगर रोहित शर्मा को जब टीम मिली होती उस वक्त पे रोहित शर्मा को ऑलरेडी बने बनाए प्लेयर मिले होते, उनके पास जो टीम होती उसमें ऑलरेडी बेस्ट प्लेयर होते, तो फिर भी ये कहना लाजमी होता कि मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा जो मैचेस जीतती थी वो बस बेस्ट प्लेयरों के दम पे जीतती थी, उसके पीछे रोहित शर्मा की कप्तानी काबिलियत कुछ भी नहीं थी। लेकिन असल में ऐसा पूरे तरीके से सच नहीं है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का इस पूरे ही प्रकरण के बारे में क्या कहना है, इस पूरे ही मुद्दे के ऊपर क्या सोचना है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से इलो इलो ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बिना एक भी पैसा खर्च किए, बिना एक पैसे की एंट्री फी दिए आप जीत सकते हैं नई चमचमाती महिंद्रा थार। करना कुछ भी नहीं है, बस प्रेडिक्ट करना है कि अगली बॉल पे क्या होने वाला है, चौका लगेगा, छक्का लगेगा, डबल आएगा या फिर बैट्समैन आउट होगा, और सिर्फ इतना प्रेडिक्ट करके थार जीतने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मेरी बात विश्वास मत करो, एक बार जाके बस ऐप को चेकआउट करो, कसम से बता रहा हूं पीछा नहीं छोड़ा पाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।